आप देख रहे हैं दखल न्यूज। होशंगाबाद की चारों विधानसभा सीटें हारने के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। एक कांग्रेस नेता ने तो दूसरे कांग्रेस नेता को षड्यंत्रकारी तक कह दिया। कांग्रेस के मंच पर यह सब होता रहा और कांग्रेसी सुनते रहे। बुरी तरह होशंगाबाद से विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस में विवाद शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को ग्राम बनखेड़ी में आयोजित आभार सभा में सुहागपुर विधानसभा से हारे दबंग कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल पलिया के पिता कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक अर्जुन पलिया ने मंच से कांग्रेसियों पर षड्यंत्र का हारने का आरोप लगाते हुए धमकी दी। उन्होंने मंच से खुलेआम कहा कि कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं, वो बनखेड़ी आएंगे तो उन्हें जूते की माला पहनाना चाहिए। संतोषी ठाकुर हराम वोट बेईमानों को कहेंगे जिन्होंने हमारे पीर में ठोकरा भोंकने का काम किया है। अर्जुन पलिया कुछ नादान बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा नहीं जो कान पकड़ के आप कहीं भी खड़ा कर दो। एक एक बात को जानता हूँ। दिल्ली से लेके यहाँ तक जो मीटिंगे हुई है, दिल्ली से लेके यहाँ तक जो समितियां चली है, जिनने विरोध करने का संकल्प उठाया है, वो क्या कांग्रेस को मुंह दिखाने का काम करते हैं? उनको सर्वनाम की जाना चाहिए कि हमें कांग्रेस ने हमें नाम दिया, कांग्रेस ने हमें खड़ा किया और कांग्रेस का विरोध करने का काम ऐसे लोग करते हैं। साथी जूते की माला पहनाना चाहिए। इन लोगों ने संगठन के लोगों ने बैठ के मीटिंग करके और कांग्रेस को हरवाने का काम करते आए हैं। पलिया ने मंच से कांग्रेसियों को भला बुरा कहा और सीधे सीधे उन्हें चुनौती दी। मंच पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कपिल फौजदार सहित अन्य नेता दबंग कांग्रेसी पलिया की बातें चुपचाप सुनते रहे। कांग्रेसी का यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला अध्यक्ष ने मीडिया के फोन उठाना ही बंद कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस बारे में अभी कोई शिकायत नहीं आई है। देखिए, इस विषय में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, लेकिन अभी तक संगठन के तौर पे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई मामला संगठन की तरफ से आया है जिस पे हम आगे संज्ञान ले सकें। जैसे ही अभी जिलाध्यक्ष जी से भी बात नहीं हो पाई है, संगठन में अगर किसी तरह की अगर ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो फिर निश्चित तौर पर हम इस पर संज्ञान में लेंगे और संगठन इस पर कुछ करेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कांग्रेस नेता अर्जुन पलिया के बनखेड़ी के भाषण को लेकर कांग्रेसियों ने चुप्पी साध ली है। बड़े नेताओं का कहना है अभी संगठन के पास कोई शिकायत नहीं आई है। जिलाध्यक्ष ने भी कोई शिकायत नहीं आने की बात कही है, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने अर्जुन पलिया के भाषण का वीडियो भोपाल और दिल्ली तक भेज दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।